ओ भाई साहब, अरे प्रज्ञा भैया, आपने तो ये कमाल का स्टंट किया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और दोस्तों हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं मेटावर्स की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, देख ही सकते हो ये है हमारा टाइम मशीन और आज जाने की बारी है मेरी। प्रज्ञा भैया, आपके डायनासोर को तो मैं ही ले जाऊंगा। ठीक है सिंचन, देखते हैं कहाँ पर पहुंचता है मेरा डायनासोर। अबे सिंचन, ये क्या कर दिया मुझे तूने, तो बाहर फेंक दिया। अरे प्रज्ञा भैया सॉरी सॉरी, इस बार मैं सही जगह पर पहुंचाऊंगा, देखिए कितना जोर से लगाता हूँ मार। अबे सिंचन कितना जोर से मारता है, ये तो बाहर ही ऑलमोस्ट निकल गया था। चल देखते अभी कहाँ पहुंचते हैं। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर एक आइलैंड में। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ स्केलेटन और ये है स्केलेटन वाला एक आर्मी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इससे लड़ पाते या नहीं। ब्रेकी भैया ये क्या हो रहा है, ये भाग क्यों रहा है? अरे पता नहीं सिंचन क्या हो रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा जाके। आपसे डर रहे लगते ही। ओ भाई साहब, इधर से तो बहुत सारे आर्मी आ रहे हैं। अरे प्रज्ञा भैया मारो मारो, सबको मारो। प्रज्ञा भैया ये जानवर है, इंसान पता ही नहीं चल रहा है। अबे सिंचन यहाँ पर तो बहुत सारे आर्मी है, मुझे तो एक एक को फेंकना पड़ेगा। क्या बात है प्रज्ञा भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा फेंका है, और एक को फेंको जल्दी से। अबे सिंचन ये लोग बहुत भारी है, इसे उठा नहीं पा रहे। ओके भाई साहब, देख सकते हो यहाँ पर फेंक दिया मैंने एक और आर्मी को, और ये रहा दूसरा वाला, जा रहा है हवा में। अरे प्रज्ञा भैया अब तो बहुत ही अच्छा खेलती हूँ। दोस्तों अगर प्रज्ञा भैया का एक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अबे सिंचन अभी मुझे जीतने तो दे पहले। अरे प्रज्ञा भैया आप जीत जाओगी। अबे ये तो पीछे से मार रहे है, एक हथौड़े से मार रहा है, एक चाकू घुसा रहा है। अरे प्रज्ञा भैया सामने वाले को छोड़ो, आप पीछे वाले को पकड़ो, पीछे से आपको मार रहा है। प्रज्ञा भैया यहाँ पर तो आप हार गए। ओ नो दोस्तों, ये वाला मैच स्केलेटन आर्मी जो है जीत चुका है। दोस्तों अभी प्रज्ञा भैया को मैंने और चॉप ने यहाँ पर दे दिया है दो वेपन, देख सकते हो दो मशीन गन और एक है लाइटनिंग गन। ठीक है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो है, अबे ये क्या है? अबे ये तो कोई कंकाल वाला जानवर है, बहुत ही स्पीड में आ रहा है। अरे प्रज्ञा भैया यहाँ पर तो और ही कर रहे हैं, जल्दी इसको खत्म करो। अबे ये दोनों के दोनों मुझे तो पकड़ के रख लिया है सिंचन, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अरे प्रज्ञा भैया आप जल्दी से उसे मारो, जल्दी से मारो। अरे फ्रैंकलिन भैया आप अपने गोली से क्यों नहीं मारते उसे? प्रज्ञा भैया बाकी के आर्मी भी आ रहे हैं, जल्दी करो। दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो सारे के सारे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, पता नहीं कैसे मैं यहाँ पर मारूंगा। और दोस्तों यहाँ पर एक जो है खत्म हो चुका है, और बाकी यहाँ पर एक और है, जल्दी से उसे मारता हूँ। प्रज्ञा भैया सारे के सारे, और दोस्तों देखिए यहाँ पर दो दो जो जायंट थे वो दोनों खत्म हो चुके दोस्तों, और यहाँ पर बाकी सारे के सारे जो आर्मी है मेरे ऊपर हथौड़े और चाकू की बरसात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं भी किसी को नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। ओ भाई साहब, अरे प्रज्ञा भैया अपने तो एक को फेंक दिया बाहर। हाँ सिंचन बाहर फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रज्ञा भैया आप तो गुस्से में आ गए हो। हाँ सिंचन ये लोग भूल गए ये लोग किससे पंगा ले रहे हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो, मैं जो है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह प्रज्ञा भैया ये तो आपका गन अटक गया है यहाँ पर। हाँ सिंचन मुझे यहाँ से बचना होगा जल्दी से, पीछे से एक आ रहा है उसको भी मारना पड़ेगा। प्रज्ञा भैया जल्दी करो उसको पकड़ के फेंको। अबे उसे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये पकड़ लिया है मैंने उसे। आरा फ्रैंकलिन आप उसे काट क्यों नहीं देते? हाँ ठीक है चॉप, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही कम जानवर जो है बचे हैं यहाँ पर, और मुझे इनको अभी खत्म करना पड़ेगा। देखता हूँ दोस्तों मैं अगर खत्म कर पाऊँ, मेरी जो हेल्थ है बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे अटैक करना पड़ेगा। प्रज्ञा भैया मारो इसे मारो। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और को मुझे फेंकना। प्रज्ञा भैया आपने तो उसे भी फेंक दिया। अरे प्रज्ञा भैया आपने तो सारे के सारे जानवर जो है खत्म कर दिए। नहीं सिंचन यहाँ पर एक और बचा हुआ है, वो देख वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उसे मुझे मारना पड़ेगा। आप तो उसे भी मार दिए दोगे? पता नहीं सिंचन मेरा हेल्थ जो है बहुत ही कम हो चुका है, और देखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा अटक रहा हूँ। अरे प्रज्ञा भैया ये लास्ट वाला जानवर तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इसे मारो जल्दी से। भाई साहब देख रहे हो ये, इसने तो मुझे अटैक कर दिया है, मुझे इसके स्पाइक पे काटना पड़ेगा। और ओ प्रज्ञा भैया जल्दी से कुछ करो, नहीं तो आप ये वाला मैच हार जाओगे। ओ प्रज्ञा भैया आपने तो ये वाला मैच जो है जीत लिया है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए फाइनल राउंड में, और दोस्तों देख ही सकते हो हमने फ्रैंकलिन भैया को डेकोरेट किया है कैसे।
अबे सिंचन, ये तो पूरा जोकर लग रहा हो यार। चारों तरफ तूने वेपन लगा दिया है और यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा जेट्स की क्यों लगाया है? ताकि आप ऊपर रह सको, क्योंकि ये लोग नीचे से बहुत अटैक करते हैं। और ये नाक के अंदर क्या लगाया है? अरे ये फ्लेम थ्रोअर है, ताकि आपके नाक से आग निकल सकी। क्या ये जोकर बना दिया है सिंचन? अरे प्रेकी भैया, उनकी आर्मी कौन सा हीरो लगती है? ये देखो स्केलेटन की आग निकल आई है। और इधर देखो, ये केकड़ा वाला दानव। और ये देखो, जिराफ का सर लेकिन पैर इंसानों का। और यहाँ पे जिराफ का शरीर लेकिन मुंडी है इंसानों का। क्या ही है प्रकृति भैया? अबे ये है क्या? यहाँ पर एक हाथी है जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के बैठा हुआ है। अबे ये कौन सा आइलैंड है? अरे ये वही तो, ये देखिए। और ये वाला भी क्या ही गजब का है दोस्तों, बहुत ही वाहियात लग रहा है। आपको कौन सा सबसे ज्यादा वाहियात लगा कमेंट में जरूर बताना। और देखिए ये तीन मुंह वाला सांप यहाँ पर है। चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पता नहीं जीत पाएंगे या भी नहीं ये वाला मैच। अब जीत जाऊंगी। ओ भाई साहब, देखिए मैं तो यहाँ पर ऊपर उड़ रहा हूँ और यहाँ पर ऊपर से अटैक कर रहे हैं ये तीन मुंह वाला सांप, लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर नीचे से हो रहा है अटैक बहुत ही ज्यादा, सारे के सारे आ रहे पीछे से। और ये वाला हाथी भी आ गया दोस्तों, देखिए फाइट के ऊपर फाइट चलाया जा रहा है। अरे पेकी भैया, ये हाथी तो हमारी मदद कर रहा है लगता है, अपने ही आर्मी को मार रहा है। वो ट्राई कर रहा था मुझे मारने का, लेकिन अपने आर्मी को गलती से मार दिया। दोस्तों देखिए यहाँ पर सारे के सारे अटैक कर रहे हैं, मुझे चारों तरफ घूम घूम के अटैक करना पड़ रहा है। और यहाँ पर फेंक दिया है मैंने एक लड़की को। और दोस्तों देख ही सकते हो, सारे जानवर और सारे आर्मी जो है एक ही साथ अटैक कर रहे हैं दोस्तों। मैं भी यहाँ पर कोई कम नहीं हूँ। अरे फैक्ट्री भैया, थोड़ा ऊपर उड़ जाओ, नहीं तो आप यहाँ पर मर जाओगे। सारे के सारे मिलकर अटैक कर रहे। ओ भाई साहब, अरे प्रेगली भैया, आपने तो ये कमाल का स्टंट किया। अब सिंचन देख ही सकता है क्या हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, एक जानवर को मैंने ऊपर उठा लिया और ये दूसरे वाले को भी। देखिए दोस्तों, गजब का सूट बनाया है सिंचन और चॉप ने दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ये वाला मैच हो चुका है खत्म दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, हेल्थ मेरा अभी भी बचा हुआ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं।